दोस्तों फाइनली जो है ना आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड कुछ और नई न्यूज जो है ना सामने आ चुकी हैं। और यार एक जो है ना बैड न्यूज है जो अभी सामने आई है रिसेंटली, और बाकी जो न्यूज है वो पहले भी जो है ना आई थी लेकिन अभी जो है ना वो कंफर्म हो रही है। तो आज किस वीडियो में वो सारी न्यूज जो है ना डिस्कस करेंगे जो अब तक लगता है कि जो है ना कंफर्म हो चुकी है, जो किसी जो है ना ट्रस्टेड सोर्सेज से जो है ना हमें देखने को मिली है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में जो है ना डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो अपने भाई को थोड़ी सपोर्ट करते हैं, चैनल को कर दें और वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले जो है ना बात कर लेते हैं iPhone 16 सीरीज की जो बैड न्यूज है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी iPhone 16 सीरीज का जो iOS 18 आ रहा है उसमें जो Apple इंटेलिजेंस की जो फीचर है वो चाइना और जो है ना यूरोप में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चाइना और यूरोप की कुछ अलग जो है ना पॉलिसीज होती हैं और उनकी वजह से पता नहीं क्या रीजन है, ये अभी कुछ सामने नहीं आई है न्यूज। बस यही पता चला है कि भाई इन दो कंट्रीज में, यूरोप वाली साइड में और चाइना वाली साइड में, iOS 18 का तो अपडेट मिलेगा लेकिन Apple इंटेलिजेंस के फीचर जो है ना नहीं दिए जाएंगे। बाकी उसके अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सभी में हमें ये अपडेट जो है ना देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एप्पल इंटेलिजेंस, iOS 18, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों iPhone 16 सीरीज से रिलेटेड और भी काफी सारी न्यूज जो है ना पहले भी आ चुकी हैं और वो जो है ना कंफर्म हो चुकी है अभी, जैसे कि कैप्चर बटन जो कि कैमरा के लिए स्पेशल जो है ना यूज होने वाला है और वो कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी। और उसके अलावा जो एक्शन बटन है ये भी जो है ना 16 सीरीज के जो 16 और 16 जो है ना प्लस रहेगा उसमें भी एक्शन बटन हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में भी जो है ना चेंजेस की जा रही है। iPhone 16 Pro और जो ना Pro Max का जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा है दोस्तों। अभी जो है ना 6.3 इंच का डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा iPhone 16 Pro का, और जो 16 Pro Max रहेगा उसमें हमें 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे भाई इतने बड़े डिस्प्ले, iPhone तो पहले से ही हैवी है तो और ज्यादा बड़े डिस्प्ले हो जाएंगे तो और ज्यादा जो है ना बड़े हो जाएंगे फोन और ये तो अनकंफर्टेबल लगेंगे। नहीं दोस्तों, अभी एप्पल जो है ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर जिसकी वजह से जो बेजल्स है वो बिल्कुल जो है ना फिनिश हो जाएंगे, मतलब, और ये मेरे ख्याल में एप्पल जो है ना अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना बनाएगा और बेजल कम होने की वजह से स्क्रीन का साइज जो है ना बढ़ जाएगा। 16 होगा और 16 जो है ना प्लस होगा, उनकी जो स्क्रीन के साइजेस हैं वो वही सेम रहने वाले हैं, 6.1 इंच या फिर 6.7 इंच। बाकी उसके अलावा जो है ना कैमराज में जो है ना इंप्रूवमेंट डेफिनेटली एप्पल जो है ना करने वाला है। कैमरा में जो है ना सुनने में आएगी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन 48 या फिर 50 मेगापिक्सल जो है ना हो सकती है। तो दोस्तों ये थे वो सारे लीक्स जो अभी मैंने आपको बताए जो हमें लगता है कि जो है ना ये कंफर्म है ऑलरेडी। तो अभी मजीद ऐसा ऐसा जितना जो है ना एप्पल का इवेंट सितंबर में होने वाला है जितना वो नजदीक आएगा लीक्स जो है ना कंफर्म होते जाएंगे। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह।